अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अतीकुर रहमान है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल लिमिटलेस मेडिकल्स। हमने पिछली वीडियो में बात की थी ब्रेकल प्लेक्सस की। इस वीडियो में बात करेंगे ब्रेकल प्लेक्सस से रिलेटेड मेडिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे अर्ब्स पैरालिसिस। अर्ब्स पैरालिसिस क्या है, अर्ब्स पैरालिसिस की कॉजेज कौन कौन सी हैं, नर्व रूट क्या है, कौन कौन से मसल पैरालाइज होते हैं, डिफॉर्मिटी क्या होती है और डिसेबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो अर्ब्स पैरालिसिस क्या होती है, ये हमने बात की थी कि ब्रेकल प्लेक्सस में तीन ट्रंक होते हैं, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक एंड लोअर ट्रंक। तो देखा था कि ब्रेकल प्लेक्सस में अपर ट्रंक की इंजरी को कहते हैं अर्ब्स पैरालिसिस। अपर ट्रंक में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर छह नर्व्स ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को। वो नर्व कौन कौन सी थी, हमने देखी थी, ये थी रूट सी सिक्स सी फाइव, रूट सी फाइव, रूट सी सिक्स, फिर आगे ट्रंक आता था। ट्रंक दो ब्रांचेस देता था, सबस्कैपुलर सुप्रास्कैपुलर एंड नर्व टू सबक्लेवियस। फिर इसकी दो डिवीजन थी, वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन, ठीक है। अब ये था रूट सी फाइव, सी फाइव, रूट सी सिक्स, ये थी सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रास्कैपुलर, सुप्रास्कैपुलर नर्व, फिर ये थी नर्व टू सबक्लेवियस, नर्व टू सबक्लेवियस, ये थी वेंट्रल डिवीजन ऑफ द ट्रंक, वेंट्रल डिवीजन, वेंट्रल डिवीजन एंड डोर्सल डिवीजन। अब इन छह ब्रांचेस ने, इन छह नर्व्स ने मिलकर ये जो पॉइंट बनाया है इसे कहते हैं अर्ब्स पॉइंट। ये जो पॉइंट बनाया है ये है अर्ब्स पॉइंट, अर्ब्स पॉइंट, ये अर्ब्स पॉइंट। अब होता कुछ जो है कि बर्थ इंजरी की वजह से या डिफिकल्ट चिल्ड बर्थ की वजह से या फिर फॉल ऑन शोल्डर ज्वाइंट की वजह से या ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के दौरान क्या होता है, ये पॉइंट जो है इंजर्ड हो जाता है। ये जो अर्ब्स पॉइंट है ब्रेकल प्लेक्सस का, अर्ब्स पॉइंट ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकल प्लेक्सस, ब्रेकल प्लेक्सस के अपर ट्रंक का ये जो पॉइंट है जहां पे छह नर्व्स मीट कर रही हैं, ज्वाइन कर रहे हैं दूसरे को, क्या करती हैं ड्यू टू फॉल इन शोल्डर ज्वाइंट या बर्थ इंजरी या फिर डिफिकल्ट चिल्ड बर्थ की वजह से या फिर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के दौरान ये पॉइंट क्या होता है, इंजर्ड हो जाता है। इसे कहते हैं, इसे कहते हैं अर्ब्स पैरालिसिस, इसे कहते हैं अर्ब्स पैरालिसिस। तो कॉजेज हमने देखी थी, चार कॉजेज हैं। उसके बाद देखते हैं नर्व रूट कौन कौन से इन्वॉल्व होता है। तो नर्व रूट हमने देखा रूट सी फाइव एंड सी सिक्स इन्वॉल्व होती है, रूट सी फाइव एंड सी सिक्स इन्वॉल्व होता है, रूट सी फाइव, रूट सी फाइव एंड सी सिक्स इन्वॉल्व होगा, रूट सी, सी फाइव एंड सी सिक्स इन्वॉल्व होता है। अब देखते हैं मसल कौन कौन से पैरालाइज होते हैं। अर्ब्स पैरालिसिस में सात मसल पैरालाइज होते हैं, चार जो होते हैं मेनली पैरालाइज होते हैं और तीन पार्शली पैरालाइज होते हैं। जो मसल मेनली पैरालाइज होते हैं उनका निमोनिक है 3BD, जो मसल मेनली पैरालाइज होते हैं उनका निमोनिक है 3B एंड D, जो मसल मेनली पैरालाइज होते हैं उनका निमोनिक है 3B, 3BD। ये मसल मेनली पैरालाइज होते हैं, मेनली, मेनली। फिर तीन मसल होते हैं पार्शली पैरालाइज होते हैं उनका निमोनिक है सिस, उनका निमोनिक है सिस, ये होते हैं पार्शली। ये मसल पार्शली पैरालाइज होते हैं अर्ब्स पैरालिसिस में। जो मसल मेनली पैरालाइज होते हैं वो होते हैं चार। कौन कौन से मसल होते हैं उनको देखें तो चार मसल होते हैं। पहला था बाइसेप्स ब्रेकियाई, नंबर वन बाइसेप्स ब्रेकियाई, ये मसल पैरालाइज की बात कर रहे हैं, बाइसेप्स ब्रेकियाई, बाइसेप्स ब्रेकियाई। दूसरा होता है बाइसेप्स ब्रेकियाई के बाद ब्रेकियालस, ब्रेकियालस। तीसरा जो बी होता है उसका होता है ब्रेकियो रेडियालस, रेडियालस। और डी से मुराद है डेल्टॉइड, डी से क्या होता है डेल्टॉइड।
ये चार मसल मेनली पैरालाइज होते हैं आर्म पैरालिसिस में, और जो पार्शियली पैरालाइज होते हैं उनका नाम है सिस। पहला जो एस है, पहले एस से है सुप्रा स्पाइनेटस, पहले है सुप्रा स्पाइनेटस, पहला मसल पैरालाइज सुप्रा स्पाइनेटस पार्शियली होता है। दूसरा इंफ्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, फिर है सपिनेटर मसल, सपिनेटर। तो ये मसल जो है पैरालाइज होते हैं आर्म्स पैरालिसिस में, ये मसल आर्म्स पैरालिसिस में पैरालाइज। अब देखते हैं डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है, जो मसल आर्म्स पैरालिसिस में डिफॉर्मिटी कौन कौन सी होती है वो देखते हैं। डिफॉर्मिटी दो तरह की होती है, एक होती है आर्म की, आर्म में, और एक होती है फोर आर्म में। आर्म में क्या होता है, डिफॉर्मिटी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है, आर्म की और फोर आर्म की। डिफॉर्मिटी दो तरह होती है, एक होते हैं आर्म की डिफॉर्मिटी, आर्म फोर आर्म। आर्म में क्या होते हैं, आर्म एक साइड पे हैंग हो जाती है, आर्म हैंग्स बाय साइड, आर्म क्या होती है हैंग हो जाती है बाय साइड से, एक साइड से हैंग हो जाती है, उसके बाद एडप्टेड हो जाती है आर्म की। जो ये जो मूवमेंट है ये है अब्डक्शन, आर्म एडप्टेड हो जाती है एंड मीडियली रोटेट कर जाती है, एडप्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, एडप्टेड एंड मीडियली रोटेटेड, मीडियली रोटेटेड, रोटेटेड। फोर आर्म क्या होती है, फोर आर्म एक्सटेंड हो जाती है, ये मूवमेंट है फोर आर्म की, ये जो फोर आर्म है ये है फोर आर्म, ये आर्म है, ये मूवमेंट है फ्लेक्शन, आर्म एक्सटेंड हो जाती है और प्रोनेटेड हो जाती है, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, एक्सटेंडेड एंड प्रोनेटेड, एंड प्रोनेटेड। तो ये है डिफॉर्मिटी। अब डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, यानी इस डिफॉर्मिटी के बाद कौन कौन सी डिसेबिलिटी होती है वो देखते हैं। डिसेबिलिटी जो होती है फंक्शन लॉस हो जाते हैं आर्म एंड फोर आर्म के, डिसेबिलिटी देखें कौन कौन सी होगी। डिसेबिलिटी में क्या होगा, सबसे पहले आर्म की शोल्डर जॉइंट पर, आर्म की शोल्डर जॉइंट पर अब्डक्शन एंड लैटरल रोटेशन लॉस हो जाएगी, आर्म की शोल्डर जॉइंट पर एबडक्शन, क्योंकि डिफॉर्मिटी देखे तो आर्म एडक्टेड हो जाती है, जब एडक्टेड होती है तो एबडक्शन लॉस हो जाएगी, लॉस इन एबडक्शन, लॉस इन एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन, क्योंकि आर्म मिडल रोटेट कर जाती है तो लैटरल रोटेशन, लॉस इन एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन, लैटरल रोटेशन, ये होती है पहली। दूसरी क्या होती है, फोर आर्म जो होती है, क्योंकि फोर आर्म एक्सटेंड हो जाती है और प्रोनेटेड हो जाती है तो लॉस इन फ्लेक्शन, ये मूवमेंट लॉस हो जाएगी फ्लेक्शन एंड सेपरेशन फोर आर्म में। ये थी आर्म, आर्म में ये फोर आर्म की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा फ्लेक्शन एंड लैटरल रोटेशन जो है, फ्लेक्शन एंड सेपरेशन, लॉस इन फ्लेक्शन, लॉस इन फ्लेक्शन एंड सेपरेशन एट फोर आर्म, फोर आर्म में। उसके बाद क्या होगा, डेल्टॉइड मसल का कुछ हिस्सा जो है वो सेंसेशन लॉस कर देगा, लॉस इन सेंसेशन ऑफ दी स्मॉलर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है, लोअर पार्ट जो है डेल्टॉइड मसल का उसकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी, लॉस इन सेंसेशन ऑफ डेल्टॉइड, लॉस इन सेंसेशन ऑफ लोअर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड, लॉस इन सेंसेशन ऑफ लोअर पार्ट, पार्ट ऑफ डेल्टॉइड मसल का, डेल्टॉइड मसल के लोअर पार्ट की जो है सेंसेशन लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात किया आर्म पैरालिसिस होती क्या है, आर्म पैरालिसिस क्या है, इंजरी है टू दी लोअर ट्रंक ऑफ दी ब्रेकर फ्लेक्सर्स, क्यों होती है उसकी हमने काजेज की बात की है, फिर नर्व रूट कौन से एंगल होते हैं, कौन कौन से मसल पैरालाइज होते हैं, डिफॉर्मिटी कौन सी होती है और डिसेबिलिटी क्या होती है, हमने इन सब के बारे में बात किया।
उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।